गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लास करेंगे 3। और यहाँ पे हम जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जो चैप्टर है क्लास +1 का, उसमें से हम मेमोरी के बारे में यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जो यहाँ पे जानने की जो है कोशिश करेंगे। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के लिए ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जो पीडीएफ मिल जाती है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो हर एक अपडेट मिलती रहती है। आप देखिए एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। एचपी पीएससी जाओ, हो सकता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जाओ पेपर ले, तो आप तैयारी रखिए अपनी 265 एग्जाम की, ठीक है। और हमारे पास जाओ, बने रहिएगा। अभी चलते हैं, आज हम जो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जाओ डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस जाओ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो मेमोरी होती है वो एक ह्यूमन ब्रेन की जो तरह होती है। ह्यूमन ब्रेन कैसे क्या करता है कि जो भी डाटा होता है वो उसको जो स्टोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको जो ह्यूमन ब्रेन स्टोर करके रखता है, ठीक है। हमें हम जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन हमारा जो उसको जो जितना भी हमने पढ़ा है उसको जो स्टोर करके रखता है, तो वो क्या है, मेमोरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि हम जो इसको डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो यूज करते हैं मेमोरी को, किसको, मेमोरी को जो यूज करते हैं। अब सिंपल ध्यान देना है कि मेमोरी जो कंप्यूटर मेमोरी जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट जो होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रोती होती है। और जनरली हमको यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज भी जो रिक्वायर्ड जो होती है। यहाँ देखिए, देखिएगा कि कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर, ठीक है। तो यहाँ देखो कंप्यूटर मेमोरी एक क्या है, स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे कंप्यूटर में जो डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड होती है वो प्रोसेसिंग के लिए वो वहाँ पे स्टोर जो की जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी एक तरह से फिजिकल डिवाइस है, ठीक है, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को टेम्पररीली और परमानेंट बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ देखो कंप्यूटर के जो मेमोरी टाइप्स यहाँ पे बताएंगे हम, एक तो है प्राइमरी मेमोरी, इसको बोलते हैं आप मेन मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी बोलते हैं। एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोलते हैं आप ऑक्सिलियरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक चार्ट सा, सिंपल ध्यान देंगे कि मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी का चार्ट। तो दो टाइप की यहाँ पे मेमोरी बताई गई है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको याद रखना है रोम आता है और रैम आता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आपको याद रखना है क्या पे, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है, डीवीडी, सीडी, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव यहाँ पे आ जाता है। अब याद रखो रैम में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे प्राइमरी में देखने को मिलती है, और रोम में प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे देखने को आपको रोम में देखने को मिलती है। याद रखना है कि जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और रैम है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, इसको आप समझिएगा अच्छी से तरह से। अभी हमको कंप्यूटर के जो दो टाइप्स हैं, कंप्यूटर मेमोरी के जो दो टाइप्स हैं उसको हमने जो है जानने की कोशिश करी है। मैं प्राइमरी मेमोरी के हम जो अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम जो मेमोरी के टाइप्स करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को जो है जानने की जो कोशिश करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बोलेंगे बोलेंगे हम कि ये आपकी मेन मेमोरी है, कैसी है, ये मेन मेमोरी है। दूसरा याद रखना है ये आपका जो मेमोरी यूनिट ऐसी है जो कम्युनिकेट करती है किसके साथ, सीपीयू के साथ डायरेक्टली जाओ कम्युनिकेट जाओ करती है, कम्युनिकेट जाओ करती है। तो तीसरा याद रखना है इसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल मेमोरी भी जो इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि ये आपकी प्राइमरी मेमोरी जो हो कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वो स्टोर करे डाटा, ठीक है, और उसको जो एक इमीडिएट मैनिपुलेशन करें और प्रोसेस करें डाटा को, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, कैसी है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है।
और याद रखेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पर, टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पर जाओ डाटा को स्टोर करती है। तो रैम जाओ टेम्पररी बेसिस पर जाओ डाटा को स्टोर करता है, रोम जाकर परमानेंट बेसिस पर जाओ डाटा को स्टोर करता है। तो याद रखिएगा, द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, बोल देते हैं, या फिर रैम भी इसको जाओ बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो स्टोर करके रखता है, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसको ये स्टोर करके रखता है। एंड इंफॉर्मेशन जाओ जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है। और डायरेक्ट एक्सेस और फास्ट एक्सेस ये जो परफॉर्म जो करता है टास्क, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होल्ड करती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जिस डाटा पर, जिस इंस्ट्रक्शंस पर जो करंट कंप्यूटर वर्क कर रहा है उसी जो डाटा को ये प्राइमरी मेमोरी जो होल्ड करके रखती है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड स्पेस होता है, मैंने आपको बताया ना लिमिटेड स्टोरेज है यहाँ पे। और डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जब डाटा जब आप पावर ऑफ कर देते हो कंप्यूटर की, तो यहाँ से डाटा जो लॉस्ट जो हो जाता है। तो वॉलेटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं जो आपका, जब आपने किसी भी कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो वो आपका डाटा जाओ उड़ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी, इसको हम यहाँ पे वॉलेटाइल भी मेमोरी जो बोल सकते हैं। आप याद रखो, देखिए प्राइमरी मेमोरी जो एक इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। किसकी बनी हुई? सेमीकंडक्टर की जो बनी हुई है, ठीक है। और ये रजिस्टर्स से फास्ट नहीं है, रजिस्टर से जो फास्ट नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि स्पीड के अकॉर्डिंग जो आपको कौन सी मेमोरी हाई है। तो याद रखो, सबसे जो स्पीड जो कम स्पीड किसके, मैग्नेटिक टेप की जो स्पीड जो सबसे कम है। फिर देखो सेकंड नंबर पे मैग्नेटिक टेप से ज्यादा किसकी है, मैग्नेटिक डिस्क की जो स्पीड जो ज्यादा है, ठीक है। फिर आपकी आती है मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप से ज्यादा है, ठीक है। फिर आपकी कैचे मेमोरी की जो स्पीड मेन मेमोरी से ज्यादा ज्यादा है। फिर आपकी देखो रजिस्टर्स की स्पीड जाओ कैचे से, मेन मेमोरी से, मैग्नेटिक डिस्क से, मैग्नेटिक टेप से ज्यादा ज्यादा है। एंड सबसे ज्यादा किसकी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सीड स्पीड ऊपर को बढ़ रही है। और साइज देखिए, सीपीयू का साइज छोटा है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का जो साइज जो बड़ा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपको याद होना है मेन मेमोरी की स्पीड जाओ कैचे मेमोरी से जाओ कम है, ठीक है, और रजिस्टर्स की स्पीड कैचे मेमोरी से ज्यादा है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिएगा, अभी बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के ऊपर टाइप से। हम यहाँ पे जो पढ़ने जाएंगे प्राइमरी मेमोरी मेमोरी के, सबसे पहले देखो दो टाइप है इसके, तो कौन कौन से, एक रैम है और एक रोम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो सिंपल ध्यान देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह से वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है ये वोलेटाइल मेमोरी है, कि जब आप किसी भी कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो डाटा जो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल नेचर की होती है ये, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है। और ये एक तरह से रीड राइट मेमोरी भी है। कैसी है ये रीड राइट मेमोरी भी है, ठीक है। सीपीयू को ये अलाउ करती है कि वो डाटा को रीड करे और एज वेल एज राइट करे, इंस्ट्रक्शंस को जाओ जो उसके अंदर है मेमोरी के अंदर उसको रीड और राइट ये दोनों जाओ करे, ठीक है। इसको याद रखना है कि जो रैम होती है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए होती है। किसके लिए होती है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए होती है, ठीक है, ताकि वो इनपुट डाटा कर सके, आउटपुट डाटा कर सके और इंटरमीडिएट रिजल्ट आपको दे सके। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी ड्यू टू रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस। इट परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट एप्लीकेशंस ऑपरेशंस ऑन मेमोरी। और देखो इफ पावर फेलर्स हैपन इन सिस्टम ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस देन यू विल लूज योर डाटा परमानेंटली, ठीक है। जिस समय पावर फेलर होगी तो आपका जाओ परमानेंटली जाओ डाटा जाओ यहाँ से लूज हो जाएगा। याद रखो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब देखिए टाइप कितने हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के, दो टाइप है, एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि यहाँ पे जाओ एक तो कैपेसिटर का यूज होता है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो यूज होता है। कितने कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर है, वन कैपेसिटर है यहाँ पे। और ट्रांजिस्टर कितने यहाँ पे, वन ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे मेमोरी सेल्स है, क्या है यहाँ पे मेमोरी सेल्स है। जो डायनेमिक रैम है वो आपकी किसकी किससे बनी हुई है, मेमोरी सेल्स से बनी हुई है। और
ईच सेल जो होता है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर वहां पे जो लगा हुआ होता है, और डायनामिक रैम जो होता है वो रिफ्रेश होता रहता है बार बार। और देखो ये डायनामिक रैम स्लो होता है, कैसा होता है, स्लो होता है, लेस एक्सपेंसिव है, खर्चीला कम है, लेकिन पावर को हाई जो कंज्यूम करता है, हाई पावर को जो कंज्यूम ये करता है। अब याद रखो यहाँ पे आती है स्टैटिक रैम, यानी कि एस रैम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका इसकी जो पावर होती है वो पावर ज्यादा चलती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, इसके पास जो मेमोरी सेल है वहां पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स है, क्या यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैचे मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कैचे मेमोरी भी जो यहाँ पे बोल सकते हैं। जनरली वो कैचे मेमोरी को यूज करता है, हम बोल नहीं पा रहे हैं भाई, कैचे मेमोरी को जो यूज करता है। अब देखो यहाँ पे एस रैम की स्पीड जो डायनेमिक रैम से हाई होती है, क्या होती है, हाई स्पीड होती है एस रैम से, एस रैम की डायनेमिक रैम से, ठीक है। और एक्सपेंसिव भी होता है ये, ठीक है, और आपका ये फास्ट भी होता है, ठीक है, फास्ट भी है ये डी रैम से, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है और हाई स्पीड भी जो है देखने को आपको इसकी मिलती है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसके दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करेक्टर्स आपको बता रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो डी आर डी रैम, इसको बोलते हैं आप डी आर डी रैम को, डायरेक्ट रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आपको डी आर डी रैम। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब बात आती है प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप्स की बात आती है यहाँ पे। सिंपल देखो यहाँ पे दूसरा आता है रोम, क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे याद रखना है कि रीड ओनली मेमोरी जो ओनली रीड करती है डाटा को, क्या करती है, ओनली रीड करती है या ये डाटा को, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर की है, कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज के लिए जाओ यूज करते हैं, कैसे ये परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज जाओ करते हैं। जब स्विच ऑफ होगा कंप्यूटर का तो इसमें से डाटा जो है आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि जो डाटा डिलीट जाओ नहीं होगा, ये लूज नहीं करती है डाटा को, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी लोकेशन दैट ऑफर ह्यूज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सेव डाटा, ठीक है। यहाँ पे जाओ ह्यूज टाइप ऑफ, बहुत सारे टाइप के जाओ स्टैंडर्ड्स हैं जो ताकि जाकर डाटा को सेव कर सके, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये ओनली जाओ रीड जाओ ऑपरेशन को जाओ रीड करती है, ओनली रीड ये आपकी करती है। और देखो जिस समय आप स्विच ऑफ करोगे कंप्यूटर को तो डाटा जाओ कोई भी लूज नहीं होगा, वो आपका जाओ रोम मेमोरी में आपको जाओ वर्क करते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल है, रोम इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैसी है वो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए पहला टाइप है रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा याद रखो सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा क्या है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। देखो जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है वो मेंटेन करता है लार्ज स्टोरेज मीडिया को, ठीक है, बट ये ऑफर नहीं करता कि आप किसी भी फीचर को रोम के इरेज करो, ठीक है, कोई भी अदर प्रोग्राम जो इसके फीचर्स को जो इरेज जाओ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आपको याद रखना है कि वो डिजाइन किया गया है रिकवर करने के लिए, ठीक है, किस चीज को, जो प्रॉब्लम्स आ रही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में और रोम में, उसको रिकवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखो यूजर कैन डिलीट दैट डाटा ऑफ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थ्रू पास्ट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड इट इरेज इज चिप इट्स प्रोग्राम, सिंपल ध्यान दो जो यूजर है वो डिलीट कर सकता है डाटा को, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से, कब कैसे, कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट को वो चिप से पास करवाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप यूवी अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी इसको बोलते हैं, यूवी ईपी रोम भी इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में, ठीक है, तो याद रखो तो ये एक तरह से सिमिलर है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की तरह, ठीक है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल बीम को यूज करती है डाटा को इरेज करने के लिए, ठीक है, इसको याद रखना है। तो प्रॉम ईपी रोम और ईईपी रोम ये आपके टाइप्स हैं रीड ओनली मेमोरी के।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल की नेचर की होती है, ये परमानेंटली जाओ स्टोर करती है डाटा को। जनरली यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, डीवीडी, सीडी, ये सब आपके आते हैं यहाँ पे। तो सेकेंडरी मेमोरी है जो परमानेंट स्टोरेज जाओ करती है। तो देखिए, तो ये आपकी नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? नॉन वोलेटाइल है और परसिस्टेंट है नेचर में, एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय कंप्यूटर और प्रोसेसर। इसको जो कंप्यूटर और प्रोसेसर जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो स्टोर जो कर लेती है, और इंफॉर्मेशन को जो स्टोर ये कर लेती है, ठीक है, ये आपको याद होना है। देखो यहाँ पे सेकेंडरी डाटा क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी है और वो प्रोसेस नहीं कर पाता है सीपीयू, ठीक है। पहले उसको जाओ कॉपी होना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में, और इट इज उसके बाद वो सिलेक्ट होता है। और ये स्लो मेमोरी है, ठीक है, और चीपर मेमोरी देखने को आपको मिलती है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको देखने को मिलती है। आप देखो, इट अलाउज अ यूजर टू स्टोर डाटा दैट मे बी इंस्टेंटली एंड इजिली रिट्रीव्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड यूज्ड बाय एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपका अलो करता है कि यूजर यूजर को कि वो स्टोर कर सके डाटा को, और उसको इजिली जाओ रिट्रीव कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट जाओ कर सके, ठीक है। अब याद रखना है, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं या फिर एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो उसको बोला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है लोअर मेन मेमोरी से, ठीक है, और ये यूज की जाती है स्टोर डाटा करने के लिए परमानेंटली टाइप के लिए, परमानेंटली के लिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और टेप, डीवीडी, सीडी और पेन ड्राइव वगैरह, ये सब आपके जो टाइप्स हैं किसके? सेकेंडरी मेमोरी के। इसको याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज में आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप यहाँ पे आता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके आते हैं सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। और याद रखो, सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आते हैं आपके मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव। और एक और याद रखना है आपको, बस इतने याद रखो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ये सब पार्ट हैं किसके? सेकेंडरी मेमोरी के। तो ये था आज का आपका लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया हो। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। थैंक यू।